जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी कर दिया है। अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो आज ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लें। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो नजदीक आ चुकी है। 30 जून से पहले पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर लें। 30 जून के बाद जो पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, बाद में उनका किसी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन लैपटॉप से पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाली साइट पे आ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अभी आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका जो पैन कार्ड है वो पहले से आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। इसके लिए लिंक आधार स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पे पैन, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करें, आधार नंबर, तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करें और नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करें। और सामने ये मैसेज आ जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर आपका यहाँ पे शो करता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यहाँ लिंक आधार, इसके ऊपर क्लिक करें। सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। यहाँ पे पैन नंबर, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करें और नीचे आधार नंबर, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करें और नीचे यहाँ वैलिडेट, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर कंटिन्यू टू पे, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर पैन, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करें और नीचे कन्फर्म पैन, तो यहाँ पे आप फिर से एक बार पैन कार्ड नंबर इंटर करें और नीचे मोबाइल, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें और नीचे यहाँ कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करें और कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे फिर से कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे ई पे टैक्स, यहाँ पे नीचे इनकम टैक्स और उसके नीचे यहाँ पे प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे अदर रिसिप्ट 500, इसको सिलेक्ट कर लें और नीचे यहाँ सब टाइप ऑफ पेमेंट, इसको यहाँ से टिक कर लें और नीचे कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, यहाँ पे न्यू पेमेंट, यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, यूपीआई, तो आप किसी भी मेथड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपके पेमेंट की पूरी डिटेल आ जाती है। आप चाहें तो यहाँ इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने से ही पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो जाता, उसका जो प्रोसेस है अभी बाकी है। इसके लिए आप इस साइट के होम पेज पे आ जाएं और यहाँ लिंक आधार, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, पैन, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करें, आधार नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इंटर करें और यहाँ पे वैलिडेट, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपका जैसे नाम आधार कार्ड के ऊपर है वैसे नाम यहाँ पे इंटर करें और यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर इंटर करें और यहाँ पे नीचे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इसके यहाँ से टिक कर लें और लिंक आधार, इसके ऊपर क्लिक करें। अभी आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करें और नीचे यहाँ वैलिडेट, इसके ऊपर क्लिक करें। इस तरह से आपकी पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाती है, बाद में आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।